हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंसान के शरीर का 60% भाग प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में बालों, हड्डियों, स्किन, मांसपेशियों और नाखूनों में पाया जाता है और ब्लड सेल्स में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। प्रोटीन हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब भी बात आती है प्रोटीन की तो अक्सर लोग मानते हैं कि अंडा प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट जरिया है, सबसे बेहतर जरिया है। 100 ग्राम अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अंडे के अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें अंडे से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ और वो सब प्रोडक्ट वेज हैं। नंबर फर्स्ट पर है सोयाबीन। सोयाबीन मीट और अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार है। प्रोटीन के अलावा सोयाबीन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई और मिनरल सब्सटेंशन से भरपूर होता है। इसके अलावा सोयाबीन फाइबर से भी भरपूर होता है। 100 ग्राम सोया चंक्स में 52.94 ग्राम प्रोटीन होता है, मतलब कि सोया चंक्स में 50% से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। दूसरे नंबर पर है पनीर। दूध से बने सभी प्रोडक्ट सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरी करते हैं। पनीर भी दूध से ही तैयार होता है और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट पाया जाता है। 100 ग्राम पनीर में 23 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। तीसरे नंबर पर है मूंग की दाल। मूंग की दाल प्रोटीन की कमी पूरी करने का एक सस्ता साधन है। मूंग की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। 100 ग्राम मूंग की दाल में करीब 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चौथे नंबर पर है बादाम। बादाम एक बेहतरीन फैट के साथ में एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। 100 ग्राम बादाम में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। पांचवे नंबर पर है काजू। काजू के यूं तो बहुत फायदे होते हैं काजू को, और वजन बढ़ाने में भी सहायक है काजू, साथ ही ये प्रोटीन से भरपूर होता है। 100 ग्राम काजू में करीब 553 कैलोरीज पाई जाती है, 44 ग्राम फैट पाया जाता है और करीब 18 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। छठे नंबर पर है दूध। दूध न सिर्फ कैल्शियम की कमी पूरी करता है बल्कि हड्डियों को भी मजबूत करता है, बल्कि ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है। 1 लीटर दूध में करीब 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सातवें नंबर पर है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज भी प्रोटीन के सेवन का एक बेहतरीन जरिया है। 1 कप अंकुरित अनाज में करीब 15% प्रोटीन होता है। आठवें नंबर पर है मूंगफली। यूं तो मूंगफली में फैट पाया जाता है लेकिन मूंगफली प्रोटीन से भी भरपूर होती है। 100 ग्राम मूंगफली में करीब 26 ग्राम प्रोटीन होता है। नंबर 9 पर है चना। चना न सिर्फ प्रोटीन बल्कि फाइबर से भी भरपूर होता है। इसे भिगोकर, उबालकर या फिर फ्राई कर भी खा सकते हैं। 100 ग्राम चने में करीब 15% प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 10 पर है दही। दूध से बनी हर चीज़ में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दही भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम दही में करीब 11% प्रोटीन होता है। तो ये 10 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हमें अपनी शरीर में प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए इन प्रोडक्ट्स का उपयोग करना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।